हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं शेजवान फ्राइड राइस, तो आइए उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम राइस के लिए पानी गरम कर लेंगे और 1 कप राइस लेकर उनको थोड़ी देर भिगोकर अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब यहाँ पर पानी गरम हो गया है, उसमें राइस को धोकर डाल देंगे। और अब इसमें 1 टीस्पून साल्ट भी डाल देंगे। और डालेंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि ये चिपके ना, और इनको 80 से 90% तक कुक कर लेंगे। राइस हमारे कुक हो चुके हैं, अब इनका पानी निकाल देंगे। और यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स कट करके रखा है, इनको मैंने फाइन चॉप किया है। थोड़ा यहाँ पर लूँगी मैं कैबेज, कैप्सिकम, अनियन और गार्लिक, गार्लिक को भी मैंने फाइन चॉप किया है, कैरेट, स्प्रिंग अनियन लीव्स, 2 टेबल स्पून शेजवान चटनी, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून साल्ट। साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और अब इसमें सबसे पहले डालूंगी मैं गार्लिक, इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब डाल देंगे कैरेट, क्योंकि सब्जियों में कैरेट थोड़ी हार्ड होती है तो इसको सॉफ्ट होने में टाइम लगता है। फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए और अब इसमें बाकी के वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे। और इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें सब्जियों को, बस 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और वेजिटेबल्स को आप बहुत ही बारीक कट करें ताकि बच्चे इनको निकाल ना पाएं। और बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का ये फ्राइड राइस में बहुत ही अच्छा तरीका है, इसमें बच्चे बहुत इजीली वेजिटेबल्स खा लेते हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे सॉफ्ट होने तक। अब इसमें डाल देंगे नमक सोया सॉस और डालेंगे शेजवान चटनी और मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब हम इसमें राइस भी ऐड कर देंगे। और हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे सबको। राइस अच्छे से मिक्स कर दिए हमने और अभी तैयार हो चुके हैं, तो अब इनकी प्लेटिंग कर लेंगे हम। ये शेजवान फ्राइड राइस हमारे तैयार हो गए हैं और अब इनको गार्निश करूंगी मैं थोड़ा स्प्रिंग अनियन लीव्स के साथ। एंजॉय कीजिए मेरी रेसिपी को और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।